के प्रत्याशी चिट्ठी जी के चुनाव जनता जनार्दन को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मध्य प्रदेश के कुशल रणनीतिकार और हम सब कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हमारे दबंग नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत कर अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी हम सब की लाडली दीदी आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज नगवे जी, हमारे लोकप्रिय महापौर आदरणीय माधुरी भाभी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामने बैठी हमारी शानदार जानदार जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो विकास गंगा भाई है मध्य प्रदेश बनाने जो आप सब जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद दिया है और इस देश का नेतृत्व हमारे जननायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलता रहा है। आपका ऐसा आशीर्वाद प्यार, गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलती रहे, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ से यहाँ से जीत कर जाए, आपका आशीर्वाद उनको मिले और इस क्षेत्र को सर्वांगीण श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में पहचान मिले और हमारे मध्य प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीबों के चेहरे पर चमक लाने का जो काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाकर गरीबों को जो चेहरे पर खुशी देने का काम किया है, हमारी मातृशक्तियां बेटी है, हमारी माता और बहनों को लाडली बहना लाडली लक्ष्मी बनाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कल हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, इस विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हमारे इस निमाड़ की धरा पर कल छेगांव माथे पे 2 बजे पधारने वाले हैं, तो मैं सब कार्यकर्ताओं से जनता जनार्दन से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे दबंग नेता, हमारे इस विश्व के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को सुनने के लिए भी आप कल 2 बजे छेगांव माखन पधारे, उनके विचारों को सुने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को भारी बहुमत से यहां से विजय बनाकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।